नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे शिशु सर्जरी विभाग और उसकी बीमारी से संबंधित विषयों पर। पिछले अंक में हम लोगों ने शिशु रोगों पर बातचीत की थी, आज हम शिशु सर्जरी पर बात करेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है शिशु सर्जरी विभाग के डॉक्टर अभिषेक रंजन जी को। डॉक्टर अभिषेक रंजन जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और शिशु सर्जरी विभाग में एक्टिंग एचओडी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पीडियाट्रिक सर्जरी होता क्या है, ये विभाग मतलब है क्या, और इसमें किस उम्र के बच्चों का इलाज किया जाता है, सर्जरी की जाती है और ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले प्रभात खबर के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार। पीडियाट्रिक सर्जरी, जिसको शिशु सर्जरी बोलते हैं हिंदी में, उसमें जो 18 साल के जो बच्चे हैं, उन 18 साल के बच्चे से नीचे के जो बच्चे हैं उनका सर्जरी किया जाता है। अगर कोई उनके सर्जिकल प्रॉब्लम हो जी, उसकी सर्जरी की जाती है। तो इसमें वो कौन कौन सी सर्जरी है, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सर्जरी शामिल है और कौन कौन सी कॉमन सर्जरी जो आम लोगों को पता नहीं है, जो नहीं आ पाते हैं आपके डिपार्टमेंट में। देखिए, इसमें बहुत सारी सर्जरी है। अगर हम ऑर्गन वाइज देखें तो पेट की भी बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि उनको पेट का आंत का फंस जाना या आंत के ऊपर आंत चढ़ जाना, हर्निया की बीमारी होना, या उनकी जो टेस्टिस है जिसको गोली बोलते हैं वो ऊपर चढ़ जाना। तो ये सारी बहुत सारी बीमारी है और इसमें एक मेजर चंक होता है वो है कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। मतलब जो जन्म के साथ जिसको बीमारी है, जैसे कि उसके लैटरिन के रास्ते का ना होना, पेट का फूलना, सर का माथा का फूलना, ये सारी बहुत सारी बीमारी है, या छाती में इंटेस्टाइन का घुस जाना। तो ये बहुत सारी, मतलब बहुत मल्टीपल स्पेक्ट्रम है। तो बीमारी की कमी नहीं है पीडियाट्रिक सर्जरी में, बस उसको पहचानना जरूरी होगा और जल्दी से पहचान के जल्दी से अपने डॉक्टर से मिलना होगा। सर, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो पीडियाट्रिक सर्जरी है वो किस डिपार्टमेंट, किस विभाग से कट करके बना हुआ है, ये लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, सर्जरी विभाग में चले जाते हैं, कोई न्यूरो सर्जरी, कहीं कहीं दूसरे विभागों में चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए क्या ना, जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे सुपर स्पेशलिटी जितने भी डिपार्टमेंट है, न्यूरो सर्जरी जैसे हो गया, ऑनको सर्जरी हो गया, उसी तरह पीडियाट्रिक सर्जरी भी है, जो जनरल सर्जरी से निकला हुआ भाग है। क्योंकि जनरल सर्जरी में क्या था कि बहुत सारे केस थे और सिलेक्टिव नहीं था, जैसे कि हम जैसे अब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस होकर काम करते हैं, वैसे जनरल सर्जरी को फर्दर डिवाइड किया गया। तो अगर कोई ब्रेन का था तो ब्रेन सर्जन बन गया, जिसको न्यूरो सर्जन बोलते हैं, कैंसर का ऑनको सर्जन, उसी तरह 18 साल से जितने भी बच्चे की सर्जरी थी वो पीडियाट्रिक सर्जरी किया उसमें। अच्छा अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि कंजेनाइटल डिजीज होता है जिसका समय पर इलाज, तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे जो अभिभावक होते हैं वो बीमारियों की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन कौन से जो बीमारी, कौन कौन से जो कंजेनाइटल हैं, जो जन्मजात बीमारियां हैं, और उनकी पहचान कैसे करें, जो हमारे दर्शकों को बताया जाए। सबसे पहले कि कुछ ऐसी बीमारी है जिसको जन्म के साथ ही पता चल जाएगा, जैसे उसके लैटरिन का रास्ता नहीं होना, तो वो तो आपको दिखेगा बच्चे के लैटरिन का रास्ता नहीं है, पेट फूल रहा है, तो वो आराम से पहचान सकते हैं। दूसरा है कि उसके खाने का नली का नहीं होना, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या होगा, दूध नहीं पिएगा या बार बार उल्टी करेगा। तो ये जब बच्चा पैदा लेने के बाद दूध नहीं पी रहा है और बार बार उल्टी हो रहा है और उसको सांस में तकलीफ हो रही है, तो उसको हो सकता है कि उसका फूड पाइप नहीं बना हो जी। इसी तरह उसके जो इंटेस्टाइन है ना, वो पेट से बाहर निकल जाते हैं जी, जिसको गैस्ट्रोस्काइसिस बोलते हैं, या उसका नाभि का निकला होना भाग, तो इस तरह की बीमारी हम पहचान सकते हैं। और कुछ ऐसी बीमारी है जिसको इनिशियली पहचान नहीं पाते, जैसे पेशाब की बीमारी है जी। उसमें क्या है कि बच्चे को पेशाब का जो रास्ता है उसमें एक झिल्ली बनी रहती है, जिसको बोलते हैं PUB जी। उस समय क्या होता है कि बच्चा को जो पेशाब है ना, धार के साथ नहीं होता, टपक टपक के आता है। अच्छा। तो अगर पेरेंट्स को लगे कि नहीं है, बच्चा जन्म के बाद पेशाब टपक रहा है और पेट नीचे वाला पेट फूल रहा है, तो उसके लिए भी मिलना चाहिए अपने भी नजदीक का कोई भी सर्जन या पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे तो वो लोग आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेज देंगे जी। एक चीज और है कि सर, जैसे मान के चलिए कि पहचान तो हो जाती है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन ये लोग ये सोचते हैं कि चलो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तब हम ये सर्जरी कराएंगे, छोटे बच्चे में सर्जरी नहीं कराना चाहिए, तो क्या ऐसा है कि कोई टाइम है कि इतने बाद कराना चाहिए, या समय पर अगर छोटे में ही करा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादातर इसके चलते हमारा रिजल्ट
पुअर होता है। ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चे, पहले तो मानते नहीं कि बच्चे की सर्जरी हो सकती है जी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है आसपास, मतलब कम केस है तो इसलिए नहीं जानते हैं। फिर सोचते हैं अरे छोटा बच्चा है, सर्जरी कराएंगे तो बचे कैसे, तो उनको लगता है कि हम तो सर्जरी कराएंगे कहीं बच्चा मेरा मर जाएगा तो फिर वो और डर जाते हैं और इसके चलते उनके बच्चों को नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हर्निया केस है, हर्निया एक छोटी बीमारी है जिसका इलाज मतलब आप एक दिन में का ही डे केयर इलाज है, एक दिन में ही सर्जरी होकर उसकी छुट्टी भी की जा सकती है। उसमें पेरेंट्स उसको रोक मतलब वेट करते हैं और हर्निया फंस जाता है जी, फिर इंटेस्टाइन काला हो जाता है और फिर जान का खतरा हो जाता है। तो ये आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं हर्निया दिखे तो उसको लाइटली मत लें, उसकी सर्जरी कराएं। सर्जरी बहुत सेफ है और उससे आपके बच्चे का बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी जी। दूसरा बीमारी है पेशाब, कहीं बताया मैंने जिक्र किया था, तो अगर आप समय से नहीं करेंगे तो आपका किडनी खराब होने के बाद पहुंचेंगे, तब तो कोई फायदा नहीं है ना जी, जी। तो ये चीज है कि अगर आपको डिसीजन आप मत ले, खुद मत ले, अगर आपको लगता है कोई बीमारी है तो आपके नजदीक के कोई स्पेशलिस्ट जैसे कि पीडियाट्रिक का है तो पीडियाट्रिशियन से मिले और उनके जो सलाह है उसको माने, और एटलीस्ट आप सलाह तो ले ही सकते हैं। अगर डिसीजन आप हो सकता है कि ना ले, बट एटलीस्ट सलाह ले लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको दूसरा भी सलाह लेना है, सेकंड ओपिनियन लेना है, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। साथ में अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट में नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट के डॉक्टर से सलाह लें, बट आपको सलाह लेना चाहिए। एक सर आजकल तो डिजिटल का जमाना है, अत्याधुनिक इलाज आ गए हैं, सारी कुछ बदल रही है, तो आज कल ये देखा जा रहा है कि फिटल डायग्नोस्टिक का जो बहुत डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट दोनों का महत्व बढ़ा है, तो क्या ऐसी जो आप विकार जो बोल रहे हैं जन्म के बाद जो बोलते हैं जन्मजात विकार, तो क्या जन्म के पहले ही उस बीमारियों को नहीं ठीक किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, आपका ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी एडवांस हो गया है मेडिकल फील्ड भी जी। तो पहले हम सोचते थे जीरो डेज के बच्चे को लेके 18 साल के बीच में हम लोग सर्जरी के लिए बोलते थे जी। बट आजकल हो गया है कि गर्भ में ही बच्चे को पता चल जा रही है कि इनको सर्जिकल विकार है या अन्य बहुत सारी विकार है। तो उसमें क्या है कि अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले पता चलता है जी। और वो बच्चे का लगता है कि नहीं इस तरह की बीमारी है जो आगे चल के लिए सही नहीं है, तो हम उनको टर्मिनेशन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं जी। और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं अननेसेसरी भी क्या डायग्नोसिस होती है, जैसे कि किडनी का फूलना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखता है कि फूल रहा है बट एक्चुअली होता नहीं है, जन्म के बाद वो रिजॉल्व कर जाता है। तो अननेसेसरी के पैनिक हो जाते हैं पेरेंट, क्योंकि आजकल देखिए आज किसी के बच्चे होगा तो पूरे माँ बाप के अलावा पूरी परिवार उस के पीछे मतलब भागते रहता है। उनको लगता है कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, और उनको अगर सडनली पता चला कि अरे इस तरह की बीमारी है तो पूरा घर में निराशा का वातावरण आ जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है, बहुत सारी ऐसी बीमारी अगर पता भी चलती है अल्ट्रासाउंड से तो ज़्यादातर रिजॉल्व हो जाता अपने से। अगर उसमें से कुछ ऐसी बीमारी है जिसको हम जन्म के बाद उसको करेक्ट कर सकते हैं, उससे भी वो ट्रीट हो जाते हैं जी। और कुछ ऐसी बीमारी है जिसका मतलब जन्म के बाद उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही खराब है, तो उसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टर्मिनेशन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है और लोगों को जानना चाहिए कि अगर आपको आपके कोई गायनिकोलॉजिस्ट आपसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उनको लगता है कि माँ के जो पेट में जो बच्चा है उसको कुछ सर्जिकल विकार है, तो आप पीडियाट्रिक सर्जन से मिलिए और उस फिटल मेडिसिन के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे ताकि आपका डिसीजन लेने में सहूलियत हो। सर ये भी जानना चाहेंगे कि देश में जो अभी आपने कहा कि ये जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, तो देश में क्या सिनेरियो है और झारखंड में क्या स्थिति है इस डिपार्टमेंट की, और कितना कारगर है ये डिपार्टमेंट बच्चों के विकार को दूर करने में? देखिए अभी पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट ओवरऑल इंडिया में काफ़ी डेवलप्ड है, हम मिनिमल इन्वेसिव से लेके सारी तरह के इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और काफ़ी पेरेंट्स को इसको हेल्प मिला है, क्योंकि ये मतलब बच्चों का जब बीमारी हो जाती है और सर्जिकल, तो पेरेंट्स के लिए दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है। बट अच्छी बात है कि हमारा जो इंडिया में पीडियाट्रिक सर्जरी काफ़ी डेवलप्ड है, हम लोग दम एट पार हैं वेस्ट के हिसाब से, मतलब उनकी तरह हम ट्रीट करते हैं। और रही बात झारखंड की जी, तो झारखंड में रिम्स में इकलौता पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, और हम रिम्स ही झारखंड ही नहीं, जो हमारे सटे हुए राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, बंगाल
और बिहार, वहाँ के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, अच्छे सर्जरी है, तो वो लोग आँख मूंद के आते हैं और हम लोग महीने में 150 सर्जरी कर रहे हैं जी। तो और अच्छा हमारा रिजल्ट है, हम कैंसर का भी इलाज कर रहे हैं, ब्रेन का भी इलाज कर रहे हैं, साथ में हमारा पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं हम हर पहलू को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं और भरसक कोशिश करते हैं कोई बच्चे को रेफर ना करना पड़े जी। ये जो आप बताएं कि इलाज कर रहे हैं, तो ये कितना है, मतलब क्या सिनेरियो है, कितना हम लोग इलाज कर पाते हैं, कितना? देखिए ज़्यादातर हम इलाज कर पा रहे हैं, मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है ना कि इसमें हमको रेयरेस्ट टू रेयर कुछ बीमारी है, जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, उस तरह कुछ कैंसर है जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अभाव में नहीं कर पाते, बट हम उसको एम्स भेज देते हैं, वहाँ पे वो लोग फिर उनका डायग्नोसिस होने के बाद वापस हमारे पास भेजते हैं, तो हम उसका इलाज कर लेते हैं। रही बात बीमारी की, तो यहाँ पे ज़्यादातर बीमारी हसपंग की बीमारी है, जिसे पेट में लैट्रिन कॉन्स्टिपेशन का, ये बहुत कॉमन है जी, और साथ में एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, जैसे लैट्रिन के रास्ता का नहीं होना, तो ये दोनों बीमारी काफ़ी कॉमन है और इसका हम लोग बहुत बढ़िया से इलाज कर रहे हैं यहाँ पे जी। और बाकी जैसे कि छोटे इंटुसेप्शन, हर्निया, वो सारे तो साथ साथ है, बट ये दो बीमारी काफ़ी कॉमन है झारखंड में। सर आपने बताया कि जैसे कब्ज है और गैस्ट्रिक की बीमारी बच्चों में ज़्यादा, ये वजह क्या है कि छोटे छोटे बच्चों में इस ये बीमारी जो है वो पनप जा रही है? देखिए ये सब बीमारी पहले भी थी सर जी, बट हम उसको पहले आइडेंटिफाई नहीं करते थे, बच्चे का डेथ हो जाता था। अभी हम क्या कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को बचा लेते हैं जी, जब सारे कहने का मतलब मैक्सिमम बच्चों को, तो इसके चलते दिख रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया जी। पहले वो हमारे पास पहुंच नहीं पाते थे, अब जिस किसी का लैटरिन का रास्ता नहीं हो, 5 दिन में उसका डेथ हो जाता था, पहुंच नहीं पाता था, बट आज हम उसका सर्जरी भी करते हैं, ठीक है, सारे बच्चे अच्छे हैं फॉलोअप में, तो इसके चलते लग रहा है कि बहुत बीमारी बढ़ गई। बट एक और भी कारण है बीमारी बढ़ने का कंजनाइटल, कि जैसे कि एक तो लेट मैरिज हो गया, दूसरा इन्वायरमेंटल इशू है कि जिस तरह का इन्वायरमेंट में हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके चलते बीमारियां बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम अगर इन्वायरमेंट को अगर नष्ट करेंगे या उसको चैलेंज करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। सर अब ये तो विकारों की बात हो गई कि ये बीमारियां होती हैं बच्चों में, हम इलाज कर पाते हैं, तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म ले इसके लिए अभिभावक माता पिता दोनों जो हैं उनको क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक स्वस्थ बच्चा जो विकार रहित पैदा ले, जन्म ले? देखिए एक मेरे हिसाब से सबसे पहले उन मदर का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए जी, या प्रेगनेंसी से पहले आपको कंसल्ट करना चाहिए। देखिए आपका एज, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे हों, जैसे कि आपका एज, मदर का एज, उसका न्यूट्रिशन, ये सारे बहुत फैक्टर है। तो मान के चलो कि अगर आपको कोई बच्चे को प्लानिंग करना है तो आप एक बार डिस्कस करो अपने कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से, और उसके बाद मदर का न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है जी। साथ में उनका घर का भी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए जी, आप उनको स्ट्रेस मत दो बिल्कुल, और आपको भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और देखिए हम बहुत सारे चीज़ नहीं है कि हम एग्जैक्ट उसको कोई ऐसा चीज़ दे जिससे ना हो, बट उम्मीद तो रखना चाहिए। हाँ। और उम्मीद रखिएगा तो बच्चा ठीक ही रहेगा। ठीक रहेगा। सर कुछ संदेश जाते जाते हम चाहेंगे कि आप झारखंड के लोगों को दें, या हमारे जो श्रोता जो देश विदेश में सुन रहे हो, तो कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं और कैसे हम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं? देखिए मेरा आपके दर्शक जितने हैं उनसे यही संदेश है कि सबसे पहले मानिए कि पीडियाट्रिक सर्जरी कोई चीज़ होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसी के लिए ट्रेनिंग लिया 3 साल, तो अगर जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक आप उसका इलाज नहीं कराएंगे। तो ये आप मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि सबसे पहले मानिए कि बच्चों का सर्जरी हो सकता है, और सर्जरी होने के बाद उसका इलाज संभव है और कोई खतरा नहीं है, बहुत कम खतरा है। जो नॉर्मल एडल्ट को खतरा होता है जो सर्जरी में जाने के लिए, उतना ही खतरा बच्चों का है जो एकदम मामूली है। तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए, उसका इलाज कराइए, इग्नोर मत होइए, डरिए मत और इलाज कराइए। क्योंकि देखिए आपका एक डर आपका डिसीजन, क्योंकि देखिए बच्चा वो डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन तो पेरेंट्स को लेना है। तो अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे, अगर आप डर जाएंगे, तो कौन सफरर होगा? आपका बच्चा होगा। तो आपको ये चीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। तो देखा आपने डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि छोटे छोटे बच्चों को हम डर से भय से अस्पताल लेकर नहीं जाते हैं, और वो बाद में बड़ी बीमारी के रूप में अस्पतालों में पहुंचते हैं, जिससे उनके बचने का जो संभावना है वो काफ़ी घटते जाता है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।